ग्रेट। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हाय, मेरा नाम प्रियंका है। मैं आप सबके साथ फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल रिलेटेड वीडियोस शेयर करती हूँ। तो अगर आपके ये टॉपिक इंटरेस्ट के हैं या फिर आप इस तरह के वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ सरोजिनी नगर ट्राई ऑन हॉल शेयर करने वाली हूँ। इस बार मैं दिल्ली गई थी तो मेरे पास ना बहुत कम टाइम था एंड मुझे काफी सारे काम करने थे, बट आई स्टिल समहाउ मैनेज टू गो टू सरोजिनी नगर एंड मैंने वहां पे थोड़ी सी शॉपिंग की है एंड उस शॉपिंग को ही आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड इस वीडियो में ना मैं आप सबके साथ शॉप नंबर्स भी शेयर करूंगी जहां से मैंने ये सारी चीजें पिक की हैं। तो अगर आपको भी इन कैटेगरीज में शॉपिंग करनी हो तो आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। सो यस, विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप स्ट्रेट टू द वीडियो। मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 से निकलकर थोड़ा ही आगे से मार्केट स्टार्ट होता है एंड मैंने गेट नंबर 3 से एंटर किया था सरोजिनी नगर मार्केट में। एंड जैसे ही आप एंटर करेंगे ना, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी एंड एक राइट टर्न मिलेगा। तो मैंने राइट टर्न से ही अपनी शॉपिंग स्टार्ट की थी एंड वहाँ पे ऐसे ही देख रही थी एंड मेरी नज़र ना एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल से टॉप पर गई। एंड जब मैंने इस टॉप को देखा तो मुझे पता था कि मुझे इस टॉप को लेना ही है, क्योंकि मैंने इस तरह के टॉप्स ना बहुत बार देखे हैं। इस तरह के टॉप्स ना अर्बैनिक पर काफ़ी ज़्यादा है एंड इसका जो प्राइस है ना अर्बैनिक पर वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इस टॉप को यहाँ से लेती हूँ। एंड सच में ये टॉप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मैं ना उस शॉप पर 10:30 के आसपास गई थी एंड वहाँ पे ना उस टाइम काफ़ी भीड़ थी एंड मैं उस शॉप का ना फर्स्ट कस्टमर थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी मिल गया। इस टॉप का जो प्राइस है ना वो जस्ट 200 रुपीज़ है एंड दिस इज एक्चुअली वर्थ बाइंग। अगर आप उनको ये बोलोगे कि आपको एक पीस से ज़्यादा लेना है तो आपको ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। इस टॉप को वो पर पीस 300 के अकॉर्डिंग बेचते हैं, बट क्योंकि मैंने ना 2 टॉप पिक किए उस शॉप से तो मुझे ना ये 200 रुपीज़ में मिला। एंड अगर आपको ना टॉप्स लेने हैं सरोजिनी नगर मार्केट से तो आप 106 शॉप नंबर को ज़रूर ट्राई करें। उनके पास ना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कलेक्शन है टॉप्स का एंड मैंने इस टॉप को भी वहीं से पिक किया है। एंड जो नेक्स्ट टॉप मैंने उस शॉप से पिक किया वो अगेन एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा क्रॉप टॉप है, आप देख सकते हैं। एंड इस तरह के टॉप्स भी ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, समर्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने इस टॉप को पिक किया है। एंड इसका मटेरियल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप देख सकते हैं इसमें ना इस तरह से रूस्ट इफेक्ट दिया हुआ है। इसमें बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सी स्लीव्स भी दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। एंड ये सच में बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है। इसका भी जो प्राइस है ना वो 200 रुपीज़ है, क्योंकि मैंने इन दोनों को साथ में लिया था तो ये मुझे 400 में मिले दोनों टॉप्स। तो अगर आपको भी ना अच्छे टॉप्स में इन्वेस्ट करना है तो आप शॉप नंबर 106 को डेफिनेटली ट्राई करें। मुझे ना लाइट ब्लू कलर की जीन्स भी लेनी थी सरोजिनी नगर मार्केट से, तो मैं वही देख रही थी एंड मेरे दिमाग में ये था कि जहाँ से मैंने पहले अपनी जीन्स ली है वहीं से मैं लूँगी। बट मैं ऐसे ही शॉप नंबर 106 से जब आगे बढ़ी तो मुझे शॉप नंबर 107 में ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलेक्शन दिखा जीन्स का, तो मैंने सोचा क्यों ना देख लेते हैं देखने में क्या जाता है। तो मैंने जब वहाँ का कलेक्शन देखा तो मुझे ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बट वो ना प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई बता रहे थे, मतलब वहाँ के अकॉर्डिंग सरोजिनी नगर मार्केट के अकॉर्डिंग वो काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस बता रहे थे। एंड मुझे ना वो जीन्स थोड़ी सी नॉर्मली लग रही थी, बट काफ़ी ज़्यादा देखने के बाद ना मुझे कुछ जीन्स सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी एंड वहाँ से ही मैंने अपनी नेक्स्ट जीन्स पिक की है वो शॉप नंबर 107 से। एंड आप देख सकते हैं कि ये जीन्स सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप देख सकते हैं इस जीन्स का कलर लाइट ब्लू है, ये एक स्ट्रेट फिट जीन्स है एंड इस जीन्स की क्वालिटी सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसका फैब्रिक सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा थिक फैब्रिक है एंड इस जीन्स का जो प्राइस है ना वो जस्ट 300 रुपीज़ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मुझे 300 में क्यों मिली। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि मैं सबसे पहले गई थी एंड मैं उस शॉप का भी ना फर्स्ट कस्टमर थी, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट मिला। एंड एक और चीज़ है, वहाँ पे आपको हमेशा ये बोलना है कि भैया लगा दो आप, एक और पीस भी ले लेंगे हम, तो आपको ना इससे ना और भी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड मैंने इस जीन्स के साथ ना एक और जीन्स पिक की, इसलिए ना मुझे ये जीन्स 300 में मिली। एंड जो नेक्स्ट जीन्स मैंने पिक की है ना वो ब्लैक कलर में है एंड एक मॉम जीन्स है। एंड आप देख सकते हैं कि ये जीन्स भी ना सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ये वॉश्ड ब्लैक कलर में है, आप देख सकते हैं। एंड इसकी भी क्वालिटी सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आपको ना जीन्स में इन्वेस्ट करना है, अच्छी जीन्स में इन्वेस्ट करना है सरोजिनी नगर मार्केट से, तो आप शॉप नंबर 107 को डेफिनेटली ट्राई करें। एंड अगर आप एक पीस से ज़्यादा लेंगे ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट मिलेगा।
शॉप नंबर 116 के फ्रंट साइड में ना आपको एक ओपन काइंड ऑफ शॉप मिल जाएगी, जस्ट अपोजिट साइड में। वहां पर ना आपको काफी ज्यादा अच्छी शर्ट्स मिल जाएंगी एंड वहां से ही मैंने अपनी शर्ट पिक की है। एंड सबसे अच्छी बात है उस प्लेस की, जितनी भी शर्ट्स आपको मिलेंगी ना वो सबकी सब 100 रुपीज में है, तो इसलिए मैंने इस शर्ट को पिक किया है। एंड आप देख सकते हैं कि ये शर्ट सच में काफी ज्यादा अच्छी है। इस शर्ट का जो फैब्रिक है ना वो काफी ज्यादा अच्छा है, क्रश्ड काइंड ऑफ फैब्रिक है। एंड उसके ऊपर ब्लैक कलर की शर्ट के ऊपर आपको इस तरह से ना ये गोल्डन स्ट्राइप्स हुई है, एंड इसकी वजह से इस शर्ट का जो लुक है ना वो और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है आपकी रेगुलर शर्ट से। एंड इस शर्ट का प्राइस तो सच में है ही अमेजिंग, ये शर्ट जस्ट 100 रुपीज में है एंड दिस इज एक्चुअली वर्थ बाइंग। अगर आपको ना अफोर्डेबल प्राइस पर शर्ट्स लेनी है तो आप इस शॉप को डेफिनेटली ट्राई करें। तो जब भी आप सरोजिनी नगर मार्केट जाए ना इस शॉप को तो डेफिनेटली ट्राई करें, क्योंकि इस पर ना आपको काफी ज्यादा अच्छी शर्ट्स मिल जाएंगी। फॉर्मल शर्ट्स भी वहां पर अवेलेबल है, वो भी 100 रुपीज में। अब मूव करते हैं लास्ट आइटम की तरफ। जो लास्ट आइटम मैंने सरोजिनी नगर मार्केट से पिक किया है वो है ये सिल्वर इयररिंग्स। एंड आप देख सकते हैं कि ये इयररिंग्स कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। एंड इस तरह की इयररिंग्स ना बहुत ज़्यादा वहाँ पर अवेलेबल हैं, बट आपको ना अच्छे से चेक कर कर इन इयररिंग्स को पिक करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना इनमें थोड़ा बहुत डिफेक्ट होता है, तो आप अच्छे से चेक कर कर ही इयररिंग्स को पिक करें। इयररिंग्स की शॉप्स तो आपको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगी, बट जो सबसे अच्छी शॉप मुझे इयररिंग्स की लगी वो है शॉप नंबर 78। एंड मैंने शॉप नंबर 78 से ही इस इयररिंग को पिक किया है। उनके पास ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलेक्शन है इयररिंग्स का। आप डेली वेयर की इयररिंग्स ले सकते हैं, पार्टी वेयर इयररिंग ले सकते हैं, एंड इस तरह के ऑक्सीडाइज इयररिंग्स भी ले सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, यानी कितने ज़्यादा बड़े हैं। एंड इयररिंग का जो प्राइस है ना वो 100 रुपीज़ है एंड दिस इज़ एक्चुअली वर्थ बाइंग। ये दिखने में ना आपको काफ़ी ज़्यादा हैवी लग रहे होंगे, बट ये बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है, लाइट वेट है। तो अगर आपको सिल्वर इयररिंग्स में इन्वेस्ट करना है, सिल्वर इयररिंग्स परचेज करने हैं सरोजिनी नगर मार्केट से, तो आप शॉप नंबर 78 को डेफिनेटली ट्राई करें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपके लिए वीडियो यूजफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।